नमस्ते, मैं नरेंद्र दुबे, सागर मध्य प्रदेश से। कल के पाठ में हमने सूरत में लूट का आधा पाठ देखा था। अब आज हम उसके आगे देखेंगे कि क्या क्या शिवाजी के जीवन काल में घटनाएं हुई। तो कल का पाठ ये था, सूरज में शिवाजी की लूट से खिन्न होकर औरंगजेब ने इनायत खां के स्थान पर गयासुद्दीन खां को सूरत का फौजदार नियुक्त किया और शहजादा मुअज्जम तथा उप सेनापति राजा जसवंत सिंह की जगह दिलेर खां और राजा जय सिंह की नियुक्ति की गई। राजा जय सिंह ने बीजापुर के सुल्तान, यूरोपीय शक्तियों तथा छोटे सामंतों का सहयोग लेकर शिवाजी पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में शिवाजी को हानि होने लगी और हार की संभावना को देखते हुए शिवाजी ने संधि का प्रस्ताव भेजा। यहां से हम आज देखेंगे, जून 1665 में हुई इस संधि के मुताबिक शिवाजी 23 दुर्ग मुगलों को दे देंगे और इस तरह उनके पास केवल 12 दुर्ग बच जाएंगे। इन 23 दुर्गों से होने वाली आमदनी 4 लाख हण सालाना थी। बालाघाट और कोंकण के क्षेत्र शिवाजी को मिलेंगे, पर उन्हें इसके बदले में 13 किस्तों में 40 लाख ऊंट अदा करने होंगे। इसके अलावा प्रतिवर्ष 5 लाख हण को राजस्व भी वे देंगे। शिवाजी स्वयं औरंगजेब के दरबार में होने से मुक्त रहेंगे, पर उनके पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में खिदमत करनी हो। बीजापुर के खिलाफ शिवाजी मुगलों का साथ देंगे। अगला टॉपिक, आगरा में आमंत्रण और पलायन। शिवाजी को आगरा बुलाया गया, जहां उन्हें लगा कि उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। इसके विरोध में उन्होंने अपना रोष भरे दरबार में दिखाया और औरंगजेब पर विश्वासघात का आरोप लगाया। औरंगजेब इससे क्षुब्ध हुआ, दुखी हुआ और उसने शिवाजी को नजरबंद कर दिया। नजरबंद मतलब कैद कर लिया और उन पर 5,000 सैनिकों के पहरे लगा दिए। कुछ ही दिनों बाद 18 अगस्त 1666 को राजा शिवाजी को मार डालने का इरादा औरंगजेब का था, लेकिन अपने अदम्य साहस और युक्ति के साथ शिवाजी और संभाजी दोनों इससे भागने में सफल रहे। 17 अगस्त 1666 संभाजी को मथुरा में एक विश्वासी ब्राह्मण के यहाँ छोड़ शिवाजी महाराज बनारस गए। पुरी होते हुए सकुशल राजगढ़ पहुंचे। 2 सितंबर 1666, इससे मराठों को नवजीवन सा मिल गया। औरंगजेब ने जय सिंह पर शक करके, वही जय सिंह जिसने शिवाजी को हराया और 23 दुर्ग कब्जे में लिए, उसी जय सिंह के ऊपर औरंगजेब ने विश्वासघात का आरोप लगा दिया। शक हो गया और उसकी हत्या विष देकर करवा दी। जसवंत सिंह के द्वारा पहल करने के बाद सन 1668 में शिवाजी ने मुगलों के साथ दूसरी बार संधि की। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की मान्यता दी। शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5,000 की मनसबदारी मिली और शिवाजी को पूना, चाकन और सूपा का जिला लौटा दिया गया, पर सिंहगढ़ और पुरंदर पर मुगलों का आधिपत्य बना रहा। सन 1670 में सूरत नगर को दूसरी बार शिवाजी ने लूटा। नगर से 132 लाख की संपत्ति शिवाजी के हाथ लगी और लौटते वक्त उन्होंने मुगल सेना को सूरत के पास फिर से हराया। राज्य अभिषेक। सन 1674 तक शिवाजी ने उन सारे प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था जो पुरंदर की संधि के अंतर्गत उन्हें मुगलों को देने पड़े थे। पश्चिमी महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद शिवाजी ने अपना राज्य अभिषेक करना चाहा, परंतु
मुस्लिम सैनिकों ने ब्राह्मणों को धमकी दी कि जो भी शिवाजी का राज्याभिषेक करेगा उनकी हत्या कर दी जाएगी। जब ये बात शिवाजी तक पहुंची, मुगल सरदार ऐसी धमकी दे रहे हैं, तब शिवाजी ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और कहा कि अब वो उस राज्य के ब्राह्मण से ही अभिषेक करवाएंगे जो मुगलों के अधिकार में है। शिवाजी के निजी सचिव बालाजी ने काशी में 3 दूतों को भेजा, क्योंकि काशी मुगल साम्राज्य के अधीन था। जब दूतों ने संदेश दिया तो काशी के ब्राह्मण काफी प्रसन्न हुए, किंतु मुगल सैनिक को यह बात पता चल गई, तब उन ब्राह्मणों को पकड़ लिया, परंतु युक्ति पूर्वक उन ब्राह्मणों ने मुगल सैनिकों के समक्ष उन दूतों से कहा कि शिवाजी कौन है, हम नहीं जानते, वे किस वंश से हैं। दूतों को नहीं पता था, इसलिए उन्होंने कहा हमें पता नहीं। तब मुगल सैनिकों के सरदार के समक्ष उन ब्राह्मणों ने कहा कि हमें कहीं अन्यत्र जाना है, शिवाजी किस वंश से हैं आपने नहीं बताया, अतः ऐसे में हम उनके राज्याभिषेक कैसे कर सकते हैं, हम तो तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं और काशी का कोई अन्य ब्राह्मण भी राज्याभिषेक नहीं करेगा जब तक राजा का पूर्ण परिचय ना हो, अतः आप वापस जा सकते हैं। मुगल सरदार ने खुश होके ब्राह्मणों को छोड़ दिया और दूतों को पकड़कर औरंगजेब के पास दिल्ली भेजने की सोची, पर वो भी चुपके से निकल गए, भाग गए। वापस लौटकर उन्होंने ये बात बालाजी आओ तथा शिवाजी को बताई, परंतु आश्चर्यजनक रूप से 2 दिन बाद वही ब्राह्मण अपने शिष्यों के साथ रायगढ़ पहुंचे और शिवाजी का राज्याभिषेक किया। इसके बाद मुगलों ने फूट डालने की कोशिश की और शिवाजी के राज्याभिषेक के बाद भी पुणे के ब्राह्मणों को धमकी दी, कहा कि शिवाजी को राजा मानने से मना करो ताकि प्रजा भी इसे न माने, लेकिन उनकी नहीं चली। शिवाजी ने अष्ट प्रधानमंडल की स्थापना की, विभिन्न राज्यों के दूतों प्रतिनिधियों के अलावा विदेशी व्यापारियों को भी इस समारोह में आमंत्रित किया गया, पर उनके राज्याभिषेक के 12 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया। इस कारण से 4 अक्टूबर 1674 को दूसरी बार शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि ग्रहण की। 2 बार हुए इस समारोह में लगभग 50 लाख रुपए खर्च हुए। इस समारोह में हिंदवी स्वराज की स्थापना का उद्घोष किया गया था। विजयनगर के पतन के बाद दक्षिण में यह पहला हिंदू साम्राज्य था। एक स्वतंत्र शासक की तरह उन्होंने अपना नाम सिक्का चलवाया। इसके बाद बीजापुर के सुल्तान ने कोंकण विजय के लिए अपने 2 सेनाधीशों को शिवाजी के विरुद्ध भेजा, पर वे असफल रहे। दक्षिण में विजय सन 1677-78 में शिवाजी का ध्यान कर्नाटक की ओर गया। बंबई के दक्षिण में कोंकण, तुंगभद्रा नदी के पश्चिम में बेलगांव तथा धारवाड़ का क्षेत्र, मैसूर, बेलारी, त्रिचूर तथा जिंजी पर अधिकार करने के बाद 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी का देहांत हो। ये पंचतत्व में विलीन हो गए। आज शिवाजी का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको यहाँ पर विराम देते हैं। अगला और कंक्लूजन पार्ट हम कल देखेंगे, क्या क्या और घटनाएं उनके कार्यकाल के दौरान घटी, किस तरह से उनका पराक्रम फैला और उनकी कुशल नीति कैसे लोगों तक पहुंची। ये हमारे प्रत्येक छात्र तक जानकारी पहुंचे, हमारे बच्चों में ऐसे महापुरुषों को जानने की ललक हो और उनके जीवन को वो जाने जिससे वो महापुरुष बन सकें, जिससे अपने जीवन का विकास कर सकें, अपना व्यक्तित्व संवार सकें।
आज के लिए इतना ही।